अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये वाला पोर्शन हो गया कम्प्लीट। सोंदरी मंशी तिम तिम कोट साहब ना बार मकले में छलित अब जो ना ये बर्तन है बस। यस गरस को आरे से नेते मुछी मने का आ रहा तो जो बर्तन मैंने धोए ना तो अभी इनको यहीं रखते हैं। हम जाने कहां वहां से फेस रिवील के रख मैंने बोला बस पता लग सकते जिंदगी। अब जो ना वो ये वाला पोर्शन बचा है बस। इकल्लदीन अश्तरौ पडालत बिल हुदा माशाल्लाह हम नमाज पढ़ के निकले तरावी। इस नए घर में पहला रमजान है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको सलामत से रखें। सो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है वानी टॉक्स। करते हैं आज का फ्रेश न्यू व्लॉग स्टार्ट। चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। कल का व्लॉग आप लोगों ने देखा जिसमें मैंने जो है ना वो इन मैं सफाई की थी, इनमें सफाई की थी। हाँ जी, फिर मेहमान आ गए थे तो सफाई जो है ना वो मुकम्मल नहीं हो पाई और आज वो जो है ना सफाई कंप्लीट करेंगे बिकॉज अब जो है ना कल आज शायद तरावी पढ़नी है और उसके बाद रोजे स्टार्ट हो जाएंगे। तो बस आपको ये कहूँगा कि व्लॉग में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, फैमिली व्लॉग है, वो थोड़ा बहुत सपोर्ट करना। सपोर्ट कैसे करोगे, इस व्लॉग को एंड तक देखना और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। हाँ पावर से खाड़ो। ओके किचन का पोर्शन है तो अभी मुझे इनमें जो ना वो सफाई करनी है बिकॉज ये मंच गर्द कर थोड़ा बहुत तो मैं कराई हमने सफाई असल पर। हाँ जी तो कंप्लीट हो गया। ये अर्थ दिख में तल्लक डोन फश असल पर ये तुझ में कम लेती थोद। यहाँ से मेहरान ने जो है ना वो सफाई की इस साइड से। जब मेहमान आते थे ना तो मैं इस यहाँ इस जगह पर जो है ना वो गोश्त कूटता था, छींटे जो है ना वो इस पे लगे हैं, वॉल पर लगे हैं तो ये दाग रह गए। अब ये तो नहीं उठेंगे, ये दाग कैसे रहेंगे, ये तब उठेंगे जब इसको धोएंगे अच्छी तरीके से। तो अभी को वॉश करना है कब, समर में मिड जून में, तो साथ हो कि जल्दी। अल्हम्दुलिल्लाह तो ये वाला पोर्शन हो गया कम्प्लीट। दायर दुत फाश, तल दुत फाश, ये पर दुत फाश असल पाठ। तो अभी जो है ना इसमें जो है ना वो ब्लैंकेट मतलब इस तल से त्रावन सुथरों में हिरकिन दाल बस पच्चे पत करें हमारी सफाई। अभी यहाँ जो ये बॉक्सेस है ना ये हम ऊपर स्टोर रूम में रखेंगे बिकॉज ये कल ही लाए थे कहाँ पुराने घर से। तो यहाँ से देखो मेरी बुक्स, ये जो नहीं मेरी बुक्स थी मैं पढ़ता था जीके है। सही ये दिन खाड़ो पास स्किप अच्छे सफाई और कर रही। बाहर से देखो मौसम खराब हो रहा है, बोलते हैं 3 दिन के लिए प्रेडिक्शन है बर्फ की। तो ये मैंने यहाँ रखा, ये यहाँ स्टोर रूम है। तो एक बात मैं कहूँगा, बहन जो ना वो नियामत है, जब मेरी शादी हो जाएगी ना तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मुझे 2 बेटियाँ अता करना क्योंकि बेटी और बहनें जो है ना वो घर की नियामत और रहमत होती है। क्या मैं बता दूँ स्मकलाओ गुड काम। ये जो कम्बल्स है ना ये पहले ही हमने सवेरे यहाँ डाल के रखी है। हाँ जी ये वाला पोर्शन यहाँ ख़त्म किया मतलब चीज मतलब तुल तुम हे बर्तन धोने बहन से ना छल तुम छल सोंदरि मं तुम तुम गो साफ न। एक पोर्शन खत्म किया अब दूसरा स्टार्ट करेंगे। उल्टी बार मकले में छिली तो अब जो है ना ये बर्तन है बस ये दोनों
इनको पहले जो है वो पानी डालते हैं बिठो साबुन में से, ये रखते हैं ऐसे। हाँ ये मुझे छिल लग जाते हैं काम पर अभी ना, ये बस धोना है ये मन तुम्हें साबुन साबुन से ही नहीं बुरश से ना स्क्रब से ओके मजाक करता हूँ तो भी ये हाँ जी, तो अभी जो है ना वो बर्तन धो के खत्म किए। अभी मेहरान ने यहाँ शीट डाला तो जो बर्तन मैंने धोए ना तो अभी इनको यहीं रखते हैं, मतलब सुखाने के लिए। ये रहे कुछ भी खाने, ओ भाई लेकिन मौसम यहाँ से जो ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये क्या काम है आप जो लड़कियाँ काम करते हो, जो मेरी बहन है ना अभी देख रही है वो काम करती है ना, तुम्हारे से दबा काम काम। अब देखो मैं कितना काम कर रहा हूँ, मैं घर का काम भी और बाहर का भी ऑफिस एट्सेट्रा, तो बहुत अच्छा लगता है। ओके हाँ जी, तो बानी छेले महेंद्र क्या धोनी शोषण सफाई करने का हथियार लचल कशिर पाठ और उर्दू पाठ क्या वन झाड़ू। अमी जान आर यू रेडी? मजाक करता हूँ, लाइट क्यों नहीं? हाँ अब आ गई लाइट। तो अभी हमें जो है ना वो इस वाले पोर्शन से लेकर ये जो है अभी उठाएंगे इधर से नीचे तक सफाई करनी है और इस हथियार से मकड़ी के जाले। ओके इनमें जो है ना वो धूल रहती है तो इनको सही से जो है ना वो झाड़ू लगाना होगा झाड़ू में। अब जो है ना वो ये वाला पोर्शन बचा है बस, फिर उसके बाद छुट्टी। अम्मी जान आई थी यहाँ से, मैंने बोला था मजाक मजाक में जी। देखो गाइस मेरी अम्मी जान का फेस रिवील, तो अम्मी जान ने कहा वहाँ से फेस रिवील कर मैंने बोला पता जैसे जिंदा। अम्मी जान जो है ना वो सैवेज है, टोटली ऑसम। और भी ख़त्म किया इधर से ये वाला जो है ना पोशन ख़त्म किया। अब जो है ना वो थोड़ी बहुत गंद बाहर है ये, तो ये भी इंशाल्लाह अभी जो है ना वो ख़त्म करते हैं। देखो यहाँ से भी मैंने वरेंडा जो है ना वो चकाचक कर दिया। देखो बाहर से मौसम चेंज हो गया, देखो कितने बादल छा रहे हैं हर जगह। और आप सब लोगों को ये बताऊंगा कि काम ख़त्म किया हमने आज दोस्त गुफान, अल्लाह का शुक्र है कि सफाई की। और आप सब लोगों को गुड न्यूज़ एक बताऊंगा, वो यही कि आज ही के दिन जो है ना वो तरावी अदा करनी है। और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हमने जो है ना वो सफाई की और आज ही के दिन रमज़ान जो है ना वो शुरू होने वाला है। तो आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक, दुआ करना मेरे लिए। और आपको बता दूँ कि इस घर में जो है ना वो पहला माह रमज़ान हमारा।
स्टार्ट होने जा रहा है। देखो अभी मैं टेरेस पर आया और अभी टाइम आया है ऑलमोस्ट 7:55, तो यहाँ से जो है ना वो इर्द गिर्द इशा नमाज के लिए अजानें हो रही है, और यहाँ इस टेरेस से, हमारे टेरेस से आप जो है ना वो चारों साइड के अजानें सुन सकते हो, और माहौल जो है ना वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, बिकॉज आज जो है ना वो तरावी पढ़नी है। हम नमाज पढ़ के निकले तरावी, सलाम दिस हमद खुदायस कुन माशाल्लाह। यह हज़ गो मेरा जिगरी, ये मिशवानान मिस्टर عبد الحليم بچون کے درائے نماز پڑھت ماشاءاللہ الحمدللہ آج نماز ادا کی تراویح ادا کی اور آ گئے ہم گھر۔ ابھی ٹائم آیا ہے دیکھو 10 ہاں 5 منٹ کمی 10 بج گئے ہیں، تو ابھی جو ہے نا وہ کھانا کھاتے ہیں اور پھر جلد سے ایڈٹ کر کے سو جاتے ہیں، بیکاز صبح سویرے سحری کے لیے اٹھنا ہے۔ اور آپ کو بتا دوں کہ ये जो माह रमज़ान है ना, ये हमारे इस नए घर में पहला रमज़ान है। 5 बजे जो है ना वो ऐसी सहरी है, तो 5 बजे उठते हैं और 5:45 शायद फजर है। तो चलो ठीक है, बाकी मैं अभी यही कहूँगा कि इंशाल्लाह अब जो है ना वो व्लॉग्स भी अच्छे तरीके आएंगे, होम व्लॉग्स ही आएंगे घर के रिलेटेड, बिकॉज रमज़ान में कहीं जा नहीं सकते। तो ये वीडियो अब इधर ही एंड करते हैं। होप आप सब लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना। एट लास्ट मैं ही कहूँगा कि खुश रहो, खुशहाल रहो, कश्मीर ऑलवेज जिंदाबाद।